कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम देखिए बीबैक की जो शॉर्टिंग होती है बैटरी की लाइन की आसानी से निकल जाती है, सिंपल ही है वो, बात अलग है आप लोग ध्यान ना दें। लेकिन और जो हमारी चार्जिंग की शॉर्टिंग होती है यूएसबी बी बस लाइन की, उसको भी हम नॉर्मली निकाल लेते हैं। लेकिन बीपीएच की शॉर्टिंग, बीपीएच लाइन में आई हुई शॉर्टिंग, चाहे वो कोई सा भी फ़ोन हुआ, एक डेड फ़ोन हमारे पास आता है इसकी बीपीएच लाइन शॉर्ट है, तो बहुत मुश्किल लगती है लोगों को। आज मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स और ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जिसके ज़रिए से बीपीएच लाइन में आई हुई शॉर्टिंग को आप आसानी से निकाल सकते हैं और एक फ़ोन को बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, और अगर एडवांस सीखना चाहते हैं तो हमसे ऑनलाइन कोर्स ले लीजिएगा। अभी नया बैच शुरू हुआ है, आज पहली क्लास थी 1 तारीख को, तो जो सीखना चाहें वो एडमिशन ले लें, और जो दिन में सीखना चाहें वो दिन वाला बैच जो है 10 तारीख को शुरू हो जाएगा उसमें एडमिशन ले लें। तो ये फ़ोन आया था कॉम्बो डलाने के लिए, इसकी कंडीशन क्या है आपको नज़र आ रही है, पूरा ये डैमेज है, टूटा हुआ है कई हिस्सों में। ये देखिए सैमसंग का ये 70 मॉडल है, मॉडल चाहे कोई सा भी हुआ आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको देखना क्या है, वो चीज़ है मैन, तो मैन चीज़ है एक डैड फोन, आप कैसे रिपेयर करते हैं, मैन चीज़ ये है, ठीक है। तो आज हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसमें अगर हम देखें तो क्वालकॉम का चिपसेट लगा हुआ है, ठीक है, वायरल चिपसेट कोई सा भी हो। आज की वीडियो में स्पेशली हम बताएंगे वो टिप्स, जिन टिप्स के ज़रिए आप क्या बीपीएच की शॉर्टिंग निकालेंगे, ठीक है। इसकी बीपीएच लाइन पूरी शॉर्ट है, तो कोई भी डैड फोन आता है सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, सबसे पहले मल्टीमीटर को अपने लगाएंगे डायोड मोड पे, रेड प्रॉप को कर देंगे ग्राउंड, ब्लैक से चेक करेंगे इसका जीआर, ठीक है। तो बैटरी का पॉइंट कहाँ, ये रहा बैटरी का पॉइंट। तो हम क्या है सबसे पहले इसका जीआर चेक करेंगे, ओके, जीआर हमारा आ रहा है 300, यानी कि शॉर्टिंग दिखा रहा है ये। फॉरवर्ड वाइज में चेक करेंगे 1500 के समथिंग। तो यहाँ पे हमारा फॉरवर्ड वाइज में अगर हम चेक कर रहे हैं इसको, यानी कि ब्लैक प्रॉप को ग्राउंड करके और रेड प्रॉप से अगर चेक कर रहे हैं, तो हमें जो है वो ओएल मिलना चाहिए या 1000+ जीआर, जो कि मिल रहा है 1000+ जीआर, ओके। लेकिन हम जब इसको एकदम सीधा सीधा चेक कर रहे हैं तो हमें 300+, 350, 400 के समथिंग जीआर मिलना चाहिए, जो कि 400 के समथिंग मिल रहा है, यानी कि ओके है बैटरी की लाइन, बीबैट लाइन एकदम से ओके है, यहाँ कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप आईडी वगैरह की लाइन भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, शॉर्टिंग चेक करने पर शॉर्टिंग ना हो तो यहाँ कोई शॉर्टिंग नहीं है। और यहाँ पे बीपी आएगा, यहाँ बीप आ रहा है, यहाँ देखिएगा फोन ऑन नहीं हो रहा है, हमने चेक किया फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज में दोनों साइड वैल्यू ठीक है, ठीक है। और डीसी से लगा रहे हैं तो ऑटो एम्पियर ले रहा है, ऑटो एम्पियर का मतलब है कि कहीं ना कहीं फ़ोन में शॉर्टिंग है, ठीक है। तो शॉर्टिंग को चेक करने के लिए हमें क्या करना है, मल्टीमीटर को लगा देना है अपना वेदर मोड पे, एक रेड प्रॉप को अपनी क्या कर देना है ग्राउंड, रेड प्रॉप को ग्राउंड कर देना है। और ये है हमारी, इसमें डबल आई सी है क्योंकि PM L 660 और 660 L, तो एक प्रॉप ग्राउंड कर दी। अब एक प्रॉप से हम क्या चेक करेंगे शॉर्टिंग, तो ये जो कैपेसिटर है यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो ये देखिए दोनों साइड बीप कर रहा है। यहाँ देखिए बीपीएच का जो कैपेसिटर है, ये आईसी के पावर आईसी के चारों साइड लगे रहते हैं, क्योंकि हमारे ये दोनों पावर हैं इसी से में से इसने दे रखा है, इसी में से ही ये क्वालकॉम डबल आईसी है, इसका हम बूट सिक्वेंस क्लास में पढ़ाएंगे, क्लास में डिटेल में पढ़ाते हैं कि कैसे क्या बनता है डबल आईसी, कैसे काम करती है, डबल पावर लगी तो कैसे काम करती है, ट्रिपल पावर लगी तो कैसे काम करती है, सब पढ़ाते हैं। तो बहरहाल डबल पावर है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके बीपीएच के जो कैपेसिटर हैं वहाँ पे क्या
रही है, शॉर्टिंग आ रही है। यहाँ देखें आप, यहाँ भी बीप और यहाँ भी बीप, यहाँ भी बीप, यहाँ भी बीप, यानी कि मतलब बीपीएच जहाँ जहाँ जा रही है, बीपीएच जहाँ जहाँ जा रही है बोर्ड में, वहाँ क्या है, सब में ये शॉर्टिंग दिखा रहा है, जाहिर सी बात है। अब बीपीएच कहाँ कहाँ जाती है भाई, पूरे फोन में बीपीएच जाती है, पूरे फोन में, यहाँ भी शॉर्टिंग दिखा रहा है, पूरे फोन में बीपीएच जाती है। आपकी लाइट आईसी, ग्राफिक आईसी, नेटवर्क आईसी, ठीक है, आपकी ब्लूटूथ वाईफाई आईसी, मतलब हर सेक्शन में ज़रूरत होती है बीपीएच की, तो बीपीएच जाती है, सिवाय आपका सीपीयू और ईएमएमसी को छोड़ के पूरे फोन में बीपीएच जाती है। अब ये शॉर्टिंग जो है ये पूरे फोन में हमें हर जगह मिलेगी। अब कैसे आसान तरीके से इस शॉर्टिंग को फाइंड आउट किया जाए, और कैसे आसान तरीके से हमें जो है बीपीएच लाइन की किसी भी फोन में एक्स वाई जेड किसी भी फोन में आईवी शॉर्टिंग को निकालना है, बताता हूँ आपको कुछ टिप्स, बने रहिए। हम क्या करेंगे, अपना स्मैटिक खोलेंगे, स्मैटिक खोलेंगे, और स्मैटिक में हम क्या देखेंगे भाई, स्मैटिक में हम देखेंगे अपना जो है, ये मैंने अपना वही मॉडल खोल रखा है ताकि टाइम बच जाए, ठीक है। तो स्मैटिक में हम क्या करेंगे, स्मैटिक में हम चेक करेंगे अपनी, अब मुझे पता नहीं है कि इसकी कौन सी वाली आईसी है, ये लग रही है मुझे, ठीक है, इसमें डॉल पावर है, तो इसका कोड क्लिक करेंगे, ठीक है, डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, हो जा भाई, डबल क्लिक करेंगे और कंट्रोल सी से इसका कोड कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी से कोड कॉपी किया, स्मैटिक में आ जाते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे हमने पेस्ट किया, डबल क्लिक किया, डबल क्लिक किया तो ये आईसी हमारे सामने खुल के आ गई, ठीक है, पीएम 6150, ठीक है। और इसको अगर हम देखें तो ये हमारी क्या है, एक चार्जिंग आईसी का भी काम कर रही है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे सीएचजी इन 5 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ पे देखें यूएसबी इन, यूएसबी इन, यूएसबी इन, यानी हमारा चार्जिंग का 5 वोल्ट इसमें इन कर रहा है, इसका मतलब चार्जिंग का काम भी यही कर रही है, तो बीपीएच भी यही बनाएगी, ठीक है। ये हमारा यूएसबी डाटा पॉजिटिव, डाटा नेगेटिव, यूएसबी आउट, बैड सेंस वगैरह, ये सब बूट सिक्वेंस में हम पूरा पढ़ाते हैं, हर लाइन का मतलब बताते हैं, किस लाइन का क्या मतलब है, क्या काम है, पूरा पढ़ाते हैं आपको। हमें देखना है फिलहाल अपना बीपीएच, तो यहाँ आप देखें तो क्या है, बीपीएच पावर, बीपीएच पावर, बीपीएच पावर, यहाँ देखें बीएसडब्ल्यू, यह क्या है, कॉलकम के अंदर स्विचिंग की लाइन पे बीएसडब्ल्यू लिखा होता है, यानी वोल्टेज फॉर स्विचिंग, सीएजी यानी चार्जिंग के लिए स्विचिंग की लाइन। तो यहाँ पे हमें नजर देखें, एक कैपेसिटर लगा है, ये भी बीप करता होगा, जाहिर सी बात है, इस लाइन में जितने कैपेसिटर लगे हैं जहां जहां जा रही है, अब ये कहां कहां जा रही है बीपीएच, तो इसको अगर हम डबल क्लिक करें तो यहां देखें जरा फोन में, ओफो ये देखिएगा, मतलब पूरे फोन में फैली हुई है, पूरे फोन में, अगर इसको मैं आपको दिखाऊं तो यहां पे देखिएगा, यहां पे आपकी इधर आ गई, एक दूसरी आईसी में आ गई, और यहां से देखें मतलब ये आईसीयू में घूम रही है और हर सेक्शन में आपको मिलेगी, देखिएगा पूरे फोन में, अगर मैं क्लिक करूं तो पूरे फोन में ये मिलेगी आपको, समझ रहे हैं। तो बहरहाल ये हमारी है बीपीएच लाइन जो कि शॉर्ट है, कैसे निकालना है इसकी शॉर्टिंग, तो चलिए हमें क्या करना है भाई, सबसे पहले अपना देखना है बीपीएच स्विचिंग की लाइन, स्विचिंग की लाइन ये रही, और इस पर लगी है ये बीपीएच कॉइल, और ये लगा है हमारा बूट कैप, जो एक साइड से क्या है हमारा बीपीएच का वोल्टेज रहता है इस पे 3.7 से लेके 4.2, और दूसरी साइड क्या है 7-8 वोल्ट के समथिंग मिलता है फोन के ऑन होने पे। तो यहाँ पे हम इसका कोड कॉपी करते हैं बीपीएच कॉइल का कंट्रोल सी से, और इसको पेस्ट करते हैं अपना स्मैटिक में आके, लेआउट में, सॉरी लेआउट में पेस्ट करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, और ये हमारे सामने आ गई ये वाली कॉइल है। ये कहाँ है, थोड़ा जूम आउट करते हैं, देख लेते हैं कहाँ लगी है, ये लगी है हमारी, ठीक है, जो आईसी का हमने कोड कॉपी किया था उसी आईसी के पास में लगी हुई है, यानी कि ये वाली आईसी नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाली है, ये है, यानी कि हमारी जो है ये वाली कॉइल है, ये वाली, ये हमारी क्या है बीपीएच कॉइल है। अगर हम इस कॉइल को निकाल देते हैं तो हमारी बीपीएच लाइन दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, एक हिस्सा इसका हो जाएगा चार्जिंग आईसी यानी ये पावर आईसी की तरफ, ठीक है, और एक हिस्सा फोन की तरफ। इससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि शॉर्टिंग हमारे फोन में अदर सेक्शंस में है या फिर क्या है,
चार्जिंग आईसी की तरफ है। चलिए तो हम उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं और इस कॉइल को बाहर निकालते हैं। कॉइल को थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं। पेस्ट लगा लिया, ठीक है, पेस्ट लगा लेते हैं। पेस्ट लगा लिया, थोड़ा सा इस कॉइल को बाहर निकालेंगे, बीपीएच कॉइल को बाहर निकालेंगे, ठीक है। ये हमारी बीपीएच कॉइल है, कोई इशू नहीं है, आप ऊपर देखते रहिएगा, छोटे उसमें उसमें अच्छा नजर आ रहा है आपको। तो ट्यूजर बीपीएच कॉइल को निकालेंगे, इन्वर्टर हमारा थोड़ा डाउन है, अभी अभी क्लास कराई है हमने इसलिए थोड़ा डाउन हो गया है, इसलिए टूटू बोल रहा है, कोई इशू नहीं है। बीपीएच कॉइल को निकालेंगे, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी फोन हुआ, हम किसी एक फोन की बात नहीं कर रहे हैं, कोई सा भी फोन हुआ, ठीक है। कैमरे में दरअसल मेरा हाथ नहीं चल पाता, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत नीचे नीचे दो दो कैमरे लगे होते हैं। तो ये कॉइल क्या है, हमने निकाल ली, ओके, कॉइल को हमने निकाल लिया, कॉइल निकल गई, इसको यहीं रख देते हैं मदरबोर्ड पे ताकि खो ना जाए, ठीक है। अब बोर्ड को ठंडा करेंगे, गर्म बोर्ड पे नहीं चेक करेंगे, ठीक है, बोर्ड को ठंडा करेंगे, फैन लगा देते हैं ताकि जल्दी हो जाए, बोर्ड को ठंडा करेंगे, ओके। अभी अभी हमने देखा, ऐसे ही हम किसी भी फोन की किसी भी लाइन की शॉर्टिंग निकाल सकते हैं, लाइन को बीच में से कट करके। ये हमारी कॉइल है, ये हमने निकाल दी। अब यहाँ लेआउट में चलते हैं, स्मैटिक में चलते हैं, सॉरी। तो हमारी क्या है, ये कॉइल थी, थोड़ा जूम आउट कर देते हैं, जूम इन कर देते हैं, ये हमारी कॉइल थी 1 माइक्रो हेनरी की। कितनी है, 1 माइक्रो हेनरी की ये कॉइल है, ठीक है। ये हमने निकाल दी है 1 माइक्रो हेनरी की, वो आपको चेक करना पड़ेगा कितने हेनरी की है। तो कॉइल को हेनरी में चेक करते हैं, ये हम डिटेल में सारा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस कॉइल को निकालने के, जैसे हमने निकाला तो ये लाइन यहां से कट हो गई, यहां से आईसी की लाइन अलग हो गई और यहां से अदर मदरबोर्ड में जो लाइन जा रही थी, यानी आपके लाइट सेक्शन, बैकलाइट आईसी, ग्राफिक आईसी, ब्लूटूथ आईसी, जीपीएस आईसी और आपका ऑडियो सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन, सारी की सारी सेक्शंस में जो जा रही थी हमारी बीपीएच लाइन, तो यहां से ये अलग हो गई और यहां से आईसी अलग हो गई। अब इससे हमें क्या है, कंफर्म होगा कि शॉर्टिंग इस साइड है कि इस साइड है, देख लेते हैं। तो ठंडा हो गया हमारा बोर्ड, ठीक है, बोर्ड हमारा हो गया ठंडा, ठीक है। अब देखिए मल्टीमीटर में, बीप मोड पे मल्टीमीटर लगा हुआ है हमारा, बीप मोड पे क्या है, मल्टीमीटर लगा हुआ है। अब क्या करेंगे, एक प्रॉप कर देते हैं अपनी ग्राउंड, कोई सीन कर दीजिए, चलिए यही कर देते हैं जो तरीका है। तो अगर हम अब चेक करें, ठीक है, तो यहां देखिएगा, ये इसकी अंदर वाली साइड, इसकी क्या है, ये अंदर वाली साइड, ये अंदर वाली साइड है, तो यहां पे कोई भी बीप नहीं आ रही, ठीक है, तो इसका मतलब बाहर वाली होगी। तो बाहर वाली साइड अगर हम लगाएं, तो देखिए बाहर वाली साइड में क्या है, बीप आ रही है, बीप आ रही, सही से लग नहीं पा रहा है, बाहर वाली साइड में ये देखिएगा, बाहर वाली साइड में क्या है, बीप आ रही है, समझ रहे हैं, अंदर वाली साइड में नहीं आ रही। इससे क्या कंफर्म हुआ, इससे ये कंफर्म हुआ कि हमारी ये आईसी एकदम से ओके है, एकदम से ये आईसी क्या है, ओके है, आईसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमारी बाहर वाली साइड में। अब ग्राफिक आईसी में हो सकती है, लाइट आईसी में हो सकती है, ब्लूटूथ आईसी में हो सकती है, जीपीएस आईसी में, नेटवर्क सेक्शन में, कहीं भी मतलब हो सकती है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे,
अब हम कैसे चेक करेंगे, कैसे निकालेंगे इतने सारे कंपोनेंट कैपेसिटर्स को निकाल निकाल के तो हम चेक कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे? सिंपल है, हम लगाएंगे रोजिन, रोजिन लगाएंगे, ठीक है, रोजिन लगाते हैं फटाफट, रोजिन रोजिन रोजिन, ये रहा रोजिन, रोजिन को लगा लेते हैं फटाफट, ठीक है, एक एक साइड करके चेक करेंगे, ठीक है, दोनों साइड एक साथ में नहीं चेक कर सकते हम, तो वन वन साइड करके चेक करेंगे, पहले सामने वाली साइड चेक कर लेंगे, फिर पीछे वाली साइड, जिधर भी शॉर्टिंग होगी सामने आ जाएगी। अब हम रोजिन लगाते हैं इसमें, ठीक है, तो रोजिन ले लीजिएगा, रोजिन ले लिया हमने, रोजिन ले लीजिए, रोजिन लगाते समय धुएं से बचिएगा, इसके बहुत खतरनाक धुआं होता है, बीमार कर सकता है, ठीक है, तो रोजिन अप्लाई कर लेंगे, ठीक है, या फिर थर्मल कैमरा है उससे चेक कर सकते हैं, मगर वो महंगा आता है तो कोई जरूरत नहीं है, रोजिन से आसानी से निकल जाता है, ठीक है। तो हमने क्या है, सामने वाली साइड में इसकी रोजिन लगा लिया, पूरे बोर्ड में, पूरे में लगा दिया सामने वाली साइड में, वन वन साइड करके हम क्या है इसको चेक करेंगे, ठीक है, अगर इधर नहीं है तो दूसरी साइड में लगाएंगे, अगर इधर नहीं, अगर इस साइड में शॉर्टिंग नहीं मिलती है तो दूसरी साइड लगाएंगे, ठीक है। ये देखिएगा हमने क्या है, रोजिन अप्लाई कर दिया है चारों साइड, इस वाली आईसी को भी लगा दिया है, सब में लगा दिया रोजिन, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या है इधर चेक करते हैं आईसी पे, आईसी तो है नहीं चूंकि, तो इसके चारों साइड, अब मदरबोर्ड में देखिएगा आप, वहां पे आपको नजर नहीं आएगा सही करके, तो मैं थोड़ा और जूम करने की कोशिश करता हूँ ताकि जूम करके आपको नजर आ जाए, ओके, थोड़ा जूम करता हूं, ठीक है, हमने जूम किया है थोड़ा, ठीक है, तो हमने जूम किया है, अब हम क्या करेंगे, इसको वहीं लगा देते हैं, आपको सही नजर आएगा, यहाँ पे लगा देते हैं आईसी पे, ओके, और इसको सेट कर देते हैं जरा, ठीक है, अब ठीक है, अब क्या करना है ये सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैन चीज क्या है, आपको अब करना क्या है, अब अपनी डीसी सप्लाई मशीन से ऐसे दो वायर निकाल लीजिएगा, ठीक है, ऐसे दो वायर, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, आपको करना ये है, डीसी सप्लाई मशीन को ऑन कीजिए, डीसी को अपनी ऑन कीजिए और कर दीजिए इसको 5 एम्पियर पे, कितने 5 एम्पियर होते हैं इसमें, तो 5 एम्पियर पे कर दीजिए डीसी को, ठीक है, तो 5 एम्पियर हमने डीसी मशीन में ये सेट कर रहा हूं मैं, ये 5 एम्पियर मैंने सेट कर दी, ओके। अब 4.2 वोल्ट चलते हैं इस लाइन पे, तो 4.2 वोल्ट ही क्या है सेट करके रखिएगा, ओके। अब एक प्रॉप कर दीजिए ग्राउंड कहीं, अब एक लगाएंगे हम इसकी बाहर वाली साइड पे जो कि शॉर्ट हो रही थी, बाहर वाली साइड जहां भी आ रही थी, लगाए नहीं रहना, ठीक है, लगाना है और हटाना है, वोल्टेज कम है, एक मिनट वोल्टेज बढ़ा लेते हैं, लाइन देखिए कोई सी भी लाइन की शॉर्टिंग निकाल रहे हैं तो उतने ही वोल्टेज सेट कीजिएगा जितने उस लाइन में चलते हैं, ठीक है। अब मैंने 4 वोल्ट रखे थे,
अब मैं क्या है 4.5 वोल्ट कर रहा हूँ, ठीक है 4.5 वोल्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 4.5 वोल्ट तक क्या ही चल देगा। ओके अब मैं इसको एक को यहाँ ग्राउंड कर दूंगा, रेड वाली लगाऊंगा बाहर वाली से। तो लगाना है और हटाना है, लगाना है और हटाना है, लगाना है और हटाना है। रोजिन मेल्ट हुआ है, हुआ 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 है। यहाँ जो एक कैपेसिटर है बड़ा सा, इससे मेल्ट हुआ है रोजिन। एक मिनट, इस पर रोजिन और लगाते हैं, ठीक है इस पर रोजिन और लगाते हैं और फिर देखते हैं क्लियर हो जाएगा। ठीक है रोजिन किधर रखा, ये रहा रोजिन। रोजिन और लगा देते हैं इस पर, यहाँ से मुझे मेल्ट होता लगा, रोजिन मेल्ट हुआ इस कैपेसिटर से। एक मरतबा फिर से चेक करेंगे। देखिए बहुत ध्यान से काम करने की ज़रूरत होती है। एक छोटी सी गलती, फ़ोन ऑन हो, आप बना चुके थे फ़ोन लेकिन एक गलती की आपने, तो बना बनाया खेल क्या है बिगड़ जाता है। तो बस आपको गलती ही नहीं करनी है। तो इसको मैं थोड़ा आपके सामने ला के रखूँ, यहाँ पे ये वाला कैपेसिटर है, यहाँ से रोजिन मेल्ट हुआ था, मैंने जैसे ही लगाया था हाथ नहीं लग पा रहा है, आपको नजर आ रहा है? ठीक है हाथ पे क्या करना है, तो यहाँ पे देखें। हाँ ठीक है, इस वाले कैपेसिटर से रोजिन हल्का हल्का मेल्ट हो रहा है। मैं इस पे ज़्यादा वोल्ट नहीं डाल सकता, जितना डाल सकता हूँ उतना ही डाल दिया है, 4.5 वोल्ट मैंने डाला है। लेकिन मैं दिखाऊँ आपको, तो यहाँ से रोजिन हल्का हल्का मेल्ट हुआ है। मैं इससे ज़्यादा चूँकि वोल्ट इस पे नहीं डाल सकता और इससे ज़्यादा तेज़ी से रोजिन मेल्ट भी नहीं हो रहा है, इससे हुआ है मगर क्या है, हल्का हल्का नीचे से मेल्ट हुआ है। देखिए कहाँ से हुआ है, मैं आपको दिखाऊँ तो ये वाला कैपेसिटर जो है, ये वाला इससे रोजिन मेल्ट हुआ है। देखिए ये पिघला हुआ रोजिन आपको नजर आ रहा है, ये मेल्ट हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इसी कैपेसिटर को बाहर निकालूंगा, इस कैपेसिटर को बाहर निकालूंगा और फिर देखूंगा कि शॉर्टिंग निकली है कि नहीं निकली है। हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कैपेसिटर ही शॉर्ट हो, ये मुमकिन नहीं है, मतलब मुमकिन है लेकिन जरूरी नहीं है। हो सकता है आपकी कोई आईसी ही शॉर्ट हो, लाइट आईसी, ग्राफिक आईसी, ब्लूटूथ आईसी, कोडेक आईसी, कोई सी भी आईसी शॉर्ट हो, ये मुमकिन है, जरूरी नहीं है कैपेसिटर ही शॉर्ट हो। बस हमें एक चेक करने का तरीका है, उस तरीके से हमें क्या चेक करना होता है। तो हमें डाउट लग रहा है इस पे मेल्ट भी हो रहा है हमारा रोजिन, तो हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे बाहर, बाहर निकालेंगे इस कैपेसिटर को, बाहर निकालेंगे। कैमरा बंद हो गया, कोई इशू नहीं है, चलिए वो वाला तो दिख रहा है आपको, मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा हिल गया। तो ये कैपेसिटर क्या है, हमने बाहर निकाल लिया, यहीं रख देता हूँ, इसको चेक करेंगे, ठीक है। ये कैपेसिटर निकाल के मैंने बाहर रख दिया इसी पे, सही है। अब चूंकि बोर्ड अगर हीट होगा, बोर्ड गर्म होगा, तो सारे कैपेसिटर शॉर्ट ही दिखाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले ठंडा करेंगे, फैन रख देते हैं, पहले इसको ठंडा करेंगे और उसके बाद में चेक करेंगे। शॉर्टिंग निकल गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकली है तो आगे और तरीके हैं हमारे पास में। फिर हम हर लाइन का जीआर चेक करेंगे, हर आईसी के पास में जीआर से थोड़ा हमें अंदाजा लगेगा, जिस लाइन का जीआर डाउन होगा, मतलब कोडेक आईसी के पास, लाइट आईसी के पास, ग्राफिक आईसी के पास, जहां जहां ये बीपीएच जा रही है, सब के पास में जाकर जीआर चेक करेंगे। जहां पे जीआर हमें थोड़ा सा भी ग्राउंड रीडिंग डाउन नजर आई, तो वहीं पे हम क्या है, फिर अपना
रोज इन अप्लाई करके मेथड को फिर से इस्तेमाल करेंगे, इसी मेथड को इस्तेमाल करेंगे रोज इन अप्लाई करके। ओके, देखते हैं पहले कि शॉर्टिंग निकली है कि नहीं निकली है। चलिए कोई बात नहीं है, ठंडा हो गया बोर्ड काफ़ी। सबसे पहले हम इस कैपेसिटर को ही चेक करेंगे कि ये जो हमारा कैपेसिटर है ये हमारा सही है कि नहीं। अगर ये सही होगा तो क्या है, ना ही कोई बीप देगा ना ही कोई जीआर, कुछ भी नहीं देगा, मल्टीमीटर पे रखेगा। और ये हमारा है बीप मोड पे, और इस कैपेसिटर को हम चेक करते हैं। आपको दोनों साइड इस पर क्या प्रॉप लगाएंगे, यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि ये तो ग्राउंड ही है, इसको हटा देंगे, यहाँ रखेंगे कैमरे के सामने। नजर नहीं आ रहा शायद, अच्छा इधर है, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है कैमरे में, ठीक है। अब इसको हम चेक करते हैं जरा, अगर ये सही होगा तो बीप नहीं देगा ना ही कोई रीडिंग देगा। बीप आ रहा है साहब, दोनों साइड बीप आ रहा, देखिए बीप आ रहा, जैसे ही लगा रहा हूँ मैं, जैसे ही मैंने प्रॉप लगाई फौरन ही क्या आ रहा है, बीप आ रहा है, बीप आ रहा है। इसका मतलब ये कैपेसिटर क्या है, शॉर्ट है, ये कैपेसिटर शॉर्ट है, ठीक है, ये शॉर्ट है। चलिए कैपेसिटर शॉर्ट है। अब ये भी ज़रूरी नहीं है साहब कि एक कैपेसिटर अगर शॉर्ट निकल आया तो शॉर्टिंग निकल गई, ज़रूरी नहीं है, निकल भी सकती है और बहुत सारे कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकते हैं, आईसी भी शॉर्ट हो सकती है, इसमें जब फॉल्ट हुआ है तो क्या पता क्या क्या हुआ होगा। चलिए हमने यहाँ निकाला था, यहीं शॉर्टिंग चेक की थी, फिर से यहीं चेक करेंगे, निकल जाती तो ठीक है, नहीं निकलती है तो आगे बहुत सारे मेथड हैं। बिल्कुल डिटेल में हम लीकेज, लीकेज कैसे निकालनी है, लीकेज आपका सर दर्द बनता है, लीकेज निकालने के टिप्स हम बताते हैं बहुत प्यारे प्यारे ऑनलाइन क्लासेस में। एक मरतबा ज्वाइन करके तो देखिए, लाइफ ही बदल जाएगी, आप देखिए तो सही, ठीक है। चलिए शॉर्टिंग चेक करते हैं, तो यहाँ पे वीप नहीं आ रही है और यहाँ भी वीप नहीं आ रही है, वीप नहीं आ रही दोनों साइड कहीं भी, शॉर्टिंग निकल गई लग रहा है। फिर भी जी आर चेक करेंगे, ग्राउंड रीडिंग जी आर को क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो डायोड मोड, ये रहा हमारा डायोड मोड, प्रॉपर कर देंगे ग्राउंड, तो 350 के समथिंग यहाँ पे जी आर मिल रहा है हमें, सही है, थोड़ा डाउन तो है लेकिन ठीक ठाक है। और यहाँ पे भी सेम जी आर है, यानी दोनों साइड क्या है, सेम जी आर है, इसका मतलब हमारी शॉर्टिंग क्या है, निकल गई है आसान तरीके से। अब हम इसमें कॉयल वगैरह लगाएंगे, और कॉयल वगैरह लगा के क्या है, हम चेक करेंगे इसमें कि हमारी शॉर्टिंग निकली है कि नहीं निकली है, ठीक है। ये तो एक तरीका रहता है सही करने का, ठीक है। तो चलिए फिर हम अपनी बीपीएच कॉइल को लगा देते हैं। दरअसल इसकी बीपीएच कॉइल मैंने यहीं रखी थी, पता नहीं कहाँ खो गई, तो मैंने दूसरे बोर्ड से ये बीपीएच कॉइल निकाली है 1 माइक्रो हेनरी की, काम तो करनी चाहिए क्योंकि बीपीएच कॉइल ही है, 1 माइक्रो हेनरी की है, हेनरी फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। अगर 1 हेनरी की थी तो 1 हेनरी होनी चाहिए, ठीक है, आधे हेनरी की थी तो आधे हेनरी की, 2 हेनरी की थी तो 2 हेनरी की, 10 हेनरी की थी तो 10 हेनरी की, जितने हेनरी की कॉइल थी उतने ही हेनरी की कॉइल क्या है हमें लगानी होती है, ठीक है। अब ये कैपेसिटर हमने जो तोड़ा है बीपीएच वाला, ये ज़रूरी तो नहीं है क्योंकि एक ही कैपेसिटर है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको लगाया जाए, लेकिन कॉइल ज़रूरी है, कॉइल के बगैर काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये कॉइल हमारी लग गई है, कॉइल लगाना ज़रूरी है, कैपेसिटर तो खैर इतना ज़रूरी नहीं है, चल जाएगा, एक ही कैपेसिटर था। कॉइल हमने दूसरी बोर्ड से निकाल के लगाई है क्योंकि उसकी कॉइल पता नहीं कहाँ खो गई, यहीं पर रखी थी मैंने,
तो छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, इनका ध्यान रखिएगा निकालते समय, वरना क्या है जरा इधर से उधर हो जाते हैं। तो बहरहाल आपने देखा कि हमने किस तरह से एक फोन की शॉर्टिंग को फाइंड आउट किया, किस तरह से एक फोन को हमने क्या है फाइंड किया और किस तरह से हमने उसकी शॉर्टिंग को निकाला, चाहे वो किसी भी फोन की शॉर्टिंग हुई आप आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है, आसान है, सिंपल है। तो बस आपको तरीका आना चाहिए, स्टेप्स आनी चाहिए, ओके। और ये इसी तरह से बीपीएच की शॉर्टिंग हुई, बीबैट की हुई, यूएसबी लाइन की हुई, या फिर आपकी 1.8 एलडीओ 2.0 वगैरह किसी भी लाइन में शॉर्टिंग हुई, या आपकी लॉजिक वोल्टेज में शॉर्टिंग हुई, ठीक है, एमएमसी के वोल्टेज में, सीपीयू में, हर जगह की शॉर्टिंग निकाल सकते हैं। हम टिप्स देते हैं लीकेज कैसे निकालें, सारे टिप्स देते हैं, हम सब कुछ सिखाते हैं आपको डिटेल में कि कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे निकालनी है, कैसे काम करना है, ठीक है, सब कुछ सिखाते हैं। तो ये कॉइल हमने लगा दी है, एक मरतबा से फिर शॉर्टिंग चेक करेंगे इसके चारों तरफ, कहीं कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। इसका कॉम्बो है, कॉम्बो लगा के अभी ऑन करके भी देखेंगे, अगर इसमें कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी तो ये ऑन हो जाएगा, अगर कुछ और प्रॉब्लम हुई तो ये क्या है ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो ठीक है, इससे चेक कर सकते हैं हम वीपीएच कैपेसिटर, ये रहे, एक साइड तो बीप आएगी, एक साइड जीआर, एक साइड बीप, एक साइड जीआर, एक साइड बीप, एक साइड जीआर, ओके, एक साइड बीप, एक साइड जीआर, एक साइड बीप, एक साइड जीआर, ओके है, कोई इशू नहीं है, एकदम से ओके है पूरा, कहीं भी कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। तो चलिए एक मरतबा क्या करते हैं, इसको ऑन करके देखते हैं, ठीक है, ऑन होता है या नहीं होता है। बहरहाल ऑन हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कुछ और देखेंगे, कहीं ना कहीं कुछ और प्रॉब्लम होगी, हर फोन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होती है, बगैर प्रॉब्लम के कुछ नहीं होता, ठीक है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी अगर ऑन नहीं होगा तो। तो फ़ोन को ऐसे ही नहीं छोड़ देते, फिलहाल हम ऑन देख लेते हैं, इसका ये रहा सप्लाई पत्ता और बैटरी, ये रही इसकी बैटरी, शायद ये बूस्ट है या नहीं, मेरे पास टाइम नहीं चेक करने का, बाद में चेक कर लेंगे, पहले ऐसे ही देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर डीसी से देखेंगे ऑन करके, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये है इसका, हम कॉम्बो का पत्ता लगा लेते हैं, ऐसे ही बाहर से लगा लेते हैं, बाहर से ही लगा लेते हैं, कॉम्बो का पत्ता लगा लिया हमने ऐसे बाहर से ही, मल्टीमीटर हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, और ये लगा देते हैं जैक, जैक लग गया, ट्यूजर से शॉर्ट करते हैं इसकी, देखते हैं, तो ऑन नहीं हो रहा है, हो गया ऑन, देखिए ऑन हो गया ये, यानी कि मेरा सक्सेस हो गई, ओके। तो इस तरह से क्या है हमें काम करना होता है, ठीक है, तो इस तरह से क्या है हमें काम करना होता है, स्टेप बाय स्टेप इस तरह से क्या है काम करना होता है, इस तरह से हमें क्या स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है हर एक चीज को, ओके। तो ये क्या है हमारा फोन ऑन हो गया, हो सकता है बैटरी डाउन हो, इसलिए क्या है बंद हो गया है, और देखते हैं, नहीं ठीक है, कॉम्बो में प्रॉब्लम है, कॉम्बो में प्रॉब्लम है, कोई इशू नहीं, बहरहाल फोन हमारा ऑन है, ओके। तो इस तरह से क्या है हमें काम करना होता है, स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखाया करके और स्मैटिक से भी समझाया, इस तरह से आप क्या है काम कर सकते हैं प्रैक्टिकली, और हम डिटेल में बिल्कुल स्मैटिक से डैड फोन कैसे रिपेयर करें अभी आपको दिखाया भी, और हर सेक्शन को, चाहे वो कोई सा भी सेक्शन हुआ, बिल्कुल डीप में समझाते हैं, पढ़ाते हैं, हर एक सवाल का जवाब देते हैं, ये नहीं कहते कि भाई हर चीज़ कोई नहीं बता सकता, ऐसा कुछ नहीं है, आपके हर सवाल का जवाब देते हैं, इसलिए एडवांस सीखिएगा, दुनिया सक्सेस, देखिए जब सक्सेस होंगे ना तभी सब झुकेंगे, जब आप मेहनत करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही कम फीस में हम एडवांस कोर्स करा रहे हैं, एडमिशन लीजिएगा और क्या है आप भी क्या है कामयाब बनिएगा। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को शेयर करिएगा।